तो हमारा नेक्स्ट परफॉर्मर ऐसी कुछ शायरी लेके आ रहे हैं, वो खुद खुद एक शायर हैं, किसी और की भी शायरी पेश करेंगे आपके सामने, जिनका नाम है केदार भारतीय। प्लीज कम सर। रूखे मौसम के बाद बहारें बरखा आती है। रूखे मौसम के बाद बरखे बहार आ गया, ये भी हम कह सकते हैं। तो रूखे मौसम के बाद बरखा बहार आ गया, इस जगह में और रंग भरने केदार आ गया। दोस्तों भाई इसका आवाज थोड़ा बड़ा करेंगे, मेरा आवाज कम है। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों इस बंदे को केदार भारतीय कहते हैं, वैसे तबीयत से तो हम शायर हैं, मगर दस्तूरे जिंदगी निभाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी काम कर लेते हैं। तो आपके सामने कुन्य फरमाइश पेश करने की जजारत मैं कर रहा हूं। आपकी तालियां और दाद मुझे इत्तिला करते रहेगी कि आप यहां हो और मेरे साथ जुड़े हो। तो राहत साहब का सबसे पहला शेर मैं आपके सामने सुनाने की इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ बने ही रहिएगा। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश उसे किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। उखड़े पड़े हैं पत्थर मेरे कब्र के। तुम जो किसी दिन आ जाओ तो उनकी मरम्मत हो जाए। दोस्तों ये प्यार इसी चीज का नाम है, ये मुर्दों से भी लफ्ज उगल लेता है। आपको पता है कैसे? ओके, लेट मी टेल यू। किसी एक गांव में एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर उस लड़की को इस चीज का पता ही नहीं था। वो लड़का रोज उस लड़की से मिलता और कहता कि ए पर्दा नशी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर अपना रुखसार तो दिखा। ए पर्दा नशी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर अपना रुखसार तो दिखा। लड़की नकार कर चली जाती। कई रोज तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन उस लड़की के गम में आके वो लड़के ने खुदकुशी कर ली। जब इस बात का उस लड़की को पता चला तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। वो उसकी कब्रे पे गई और कहने लगी कि ए मेरे गुमनाम आशिक आई हूं तेरी मजार पर। ले रुख से पर्दा हटा दिया, जी भर के मेरा दीदार कर। तभी उस कब्र में से एक आवाज आई कि ए खुदा वाह देख ली तेरी खुददारी, अजब का तेरा इंसाफ है। आज मैं पर्दे में हूं और वो बेनकाब है। आने वाले। तो दोस्तों शायर लोगों का शायद दिल इसी की वजह से पत्थर दिल बन जाता है, क्योंकि खुद की आह पे लोगों से वाह सुनना कोई मजाक का काम नहीं होता। इसीलिए कहता हूं यही प्यार की खूबी है केदार, यही प्यार की खामी है। जीत गया जो इसमें उसे शोहरत मिलती है, ना जीतो सो सिर्फ बदनामी है। आपकी दाद और तालियों ने मुझे जिस प्रकार नवाजा, और मैं कुछ शेर अर्ज करना यहाँ पे चाहता हूँ आपकी इजाजत के साथ। उनसे मिले तो जिंदगी में मंसूर हो गए। नाम उठा महफिल में जब उनका,
नाम उठा महफिल में जब उनका, तो मेरे यार के साथ हम भी मशहूर हो गए। यहाँ मेरे सामने कई खुददार लोग बैठे हैं जो अपने खुददार कमिन जो अपने उसूलों पे चलता है और एक मकाम पे कायम रहता है। तो यहाँ मेरे सामने बहुत से खुददार लोग बैठे हैं, उनके लिए एक नज़र पेश करना चाहता हूँ। गौर कीजिएगा और आपकी तालियों की मुझे जरूरत पड़ेगी। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ मैं, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ मैं, इस जमाने से लड़ने के लिए काफी हूँ मैं, इस जमाने से लड़ने के लिए काफी हूँ मैं। मेरे वजूद को राख समझने वालों, मेरे वजूद को राख समझने वालों, तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ मैं। एक अखबार हूँ मामूली सा, औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार हूँ मामूली सा, औकात ही क्या है मेरी, मगर सारे शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ मैं। अभी खुददारी की बात चल रही है तो कहते हैं कि बिकने पे आ जाओ, बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। अभी इस महफिल के कुछ आखिरी शेरों में से एक शेर पेश करना चाहता हूँ। आपकी तालियां और दाद मुझे ये बताते रहेगी कि आप अभी भी मेरे साथ जुड़े हो, तो मस्ती के साथ सुनिएगा। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप मुझे सुन के बताइएगा। मेरी और उनकी बस इतनी सी कहानी है, मेरी और उनकी बस इतनी सी कहानी है, टूटी हुई कश्ती और ठहरा हुआ पानी है, टूटी हुई कश्ती और ठहरा हुआ पानी है। एक गुलाब का फूल जो उनके किताब में दम तोड़ चुका था, और सारे दिल जलों की तालियों से ये सामा गूंज उठे। एक गुलाब का फूल जो उनके किताब में दम तोड़ चुका था, और उन्हें ये तक पता नहीं कि ये किसकी निशानी है। हम शायर लोगों का, जो बाकी लोग होते हैं दुनिया के लोग, उनसे खास बनती नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के लोग भी बड़े अजीब होते हैं, कोई दूर तो कोई दिल के बेहद करीब होते हैं, हाले दिल ना बताओ तो कायर कहते हैं, और अगर हाले दिल बता दे तो हमें शायर कहते हैं। और इस महफिल का आखिरी शेर मैं, भाई ये तो सुन लो, और इस महफिल का आखिरी शेर मैं उन दो लोगों को नजर करना चाहता हूं। एक जो मेरी माँ, जिसने मुझे बोलना सिखाया, और दूसरा वो शख्स जिसके वजह से मैंने जिंदगी जीना सीखा है। अर्ज किया है, तुमसे ही मेरी जिंदगी है, तुम्हारे बिना यह समाज गवारा है, तुमसे ही मेरी जिंदगी है, तुम्हारे बिना यह समाज गवारा है। ना समझ लोग चूम रहे थे मेरी कलम, अब उन्हें कैसे समझाओ कि मेरी शायरी में असर तुम्हारा है। शुक्रिया। थैंक यू केदार, दैट वाज लवली। तो मैं एक शेर सुनाऊं? अरे बिल्कुल इरशाद, कहिए। मिजाज बड़ा शायराना हो रहा है आजकल, ये महफिल में ऐसे शमाए दिखने लगी अभी इसका। कहो कुछ इश्क किया कुछ काम किया। ये सुनो, ये कॉर्पोरेट वाले शेर है, ये गालिब ने लिखा था, तभी भी कॉर्पोरेट था, अभी भी कॉर्पोरेट है, ये सुनो। कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हाँ, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, मसरूफ मसरूफ के मानी है बिजी,
हम जीते जी मसरूफ रहे, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा। काम इश्क के आड़े आता रहा, काम इश्क से उलझता रहा, फिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। अभी ऐसे लाइफ है, अभी क्या करें। बहुत ही ये एक्चुअली कैसा होता है, ये इश्क और काम का जो चीज होता है ना, वो मैं देखता रहता हूँ। मैं बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठता हूँ, मैं कुंड एरिया में। चलो चलो।